Starting with the name of Allah Almighty, who is most beneficent and ever merciful. Dear students, alaikum, This is early and today we are going to discuss the letter number 14 of nine class. Write a letter to your friend condoling the death of his mother. तो इस letter में आपने अपने दोस्त को letter लिखना है और उसके अंदर आपने condoling यानी इजहरे ताज़ीयत करना है, अफसोस करना है, the death of his mother, उसकी मामा की या उसकी मां की वफ़ात पे ठीक है यानी आपको पता चला कि स्कीमें ड्यू टू सम इलाही से वफ़ात पा चुकी हैं तो आपने उन्हें हज़ार ताजियत के तौर पर ख़त लिखना है स्टार्टेड एग्ज़ामिनेशन हॉल सिटी अच्छा एग्ज़ामिनेशन हॉल का एग्जामिनेशन हॉल का आपने स्टार्टिंग जो लेटर है वह कैपिटल उसके बाद कॉमा लगाना है उसके बाद सिटी ए कैपिटल डॉट बी कैपिटल डॉट सी आगे जनवरी यानी मंथ उसके बाद आपने डेट लगानी है फिर आपने कॉमा उसके बाद आपने ईयर लिखना है माई डियर मुश्ताक कॉमाल लगाएंगे नीचे वालेकुम आप सलामती हो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में साथ में फुल स्टॉप है आगे आई एम शॉकड शॉक कहते हैं दंग रह जाना हैरान रह है जाना शॉक टू नो अबाउट द सैड न्यूज़ ऑफ़ योर मदर्स डेथ तो कहते मैं दंग रह गया आपकी मामा की वफ़ाद की खबर जो है वो जानकर ठीक है सैड न्यूज़ बुरी खबर शी वाज अ नोबल लेडी नोबल होता है, नेक शी वाज अ नोबल लेडी वो एक नेक ख़ातून थी शी वाज काइंड टू अस ऑल वो हम सब के साथ बहुत ही रम दिल और शफकत से पेश आती थी इट इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर योर फैमिली ये तुम्हारे ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है लॉस के नुकसान को ग्रेट बड़ा फैमिली ख़ानदान अ मदर इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग एक माँ जो है वो बहुत ही अजीम नेमत होती है नोबड़ी कैन अवॉइड कोई भी नहीं टाल सकता द डिके ऑफ फेड जो किस्मत में लिखा होता है आई एडवाज़ यू मैं तुम्हें तो नसीहत करता हूँ टू फेस द मिसफॉर्चून के इस बुरे हालात को इस बदकिसमती को फेस करो विद करेज हिम्मत के साथ मे हर रेस्ट मे हर सोल रेस्ट इन पीस अल्लाह उनकी जो है रू कबू तस्किन तरमाए या अल्लाह उनकी मफ़रत करे यूर सेंसियरली आपका मुखलिस कामान और नीचे लिखेंगे एक्स वाई जी एक्स वाई जी कैपिटल में और एक्स के बाद फुल शॉप फिर आगे वाई के बाद भी आए डॉट उसके बाद सी So this is what all about today's lesson. Hope to see you soon.